हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। आज हम देखते हैं, नीति आयोग ने एक नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नाम का अभियान शुरू किया है, तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ें देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाली है हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग ने अभी हाल ही में विल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटीज़, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज और स्वास्थ्य मंत्रालय एवं महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर एक अभियान लॉन्च किया और उस अभियान का नाम है दोस्तों, नेविगेटिंग द नॉर्मल द न्यू नॉर्मल। ठीक है, ये एक अभियान लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो इस अभियान का जो गठन है वो किसने? भारत सरकार ने किया है एम्पायर्ड ग्रुप 6 के मार्गदर्शन में। ठीक, इस अभियान को दो भागों में चलाया जाएगा। कितने भागों में चलाया जाएगा? दो भागों में चलाया जाएगा और इसमें पहला भाग होगा वेब पोर्टल, दूसरा भाग होगा मीडिया अभियान। वेब पोर्टल का मतलब है कि इसमें जानकारी दी जाएगी उस वेब पोर्टल के द्वारा। दूसरा मीडिया अभियान चलाया जाएगा। तो वेब पोर्टल में देखते हैं क्या होगा। वेब पोर्टल में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा जिससे कि लोग COVID-19 से सुरक्षित रहने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करें और इसके लिए उनमें जो है उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। व्यवहार में परिवर्तन का मतलब कि पहले हम लोग कैसे घूमते थे? विदाउट मास्क घूमते थे, लेकिन अब हमें इस मास्क को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। इसी तरीके से कई और चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी दी जाएगी और प्रोत्साहित किया जाएगा। तो देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इनमें ये चार चीज़ें हैं, इनके बारे में हमें जानकारी और इनके लिए हमें प्रोत्साहित किया जाएगा। सबसे पहला है मास्क पहनना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ करना और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकना यानी थूकने से रोकना। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के लिए हमें प्रोत्साहित किया जाएगा। ये काम हम ना करके COVID-19 को नियंत्रित कर सकते हैं। जबकि दूसरा चरण की बात करें तो दूसरा चरण में मीडिया अभियान शुरू किया जाएगा और इस मीडिया अभियान के और ये मीडिया अभियान जो है मास्क पहनने पर केंद्रित होगा। यही मास्क एक ऐसा सरल उपाय है जो COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि कितने इसमें कौन कौन से संगठन शामिल हैं। तो इसमें विल एंड मिलिंडा गेट्स है, अशोका यूनिवर्सिटी से सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज है और स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय, इतने इसमें संगठन शामिल हैं। तो इसने शुरू किसने किया है? नीति आयोग ने शुरू किया है। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, और किसकी जगह पर हुई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले यहाँ पर एक योजना आयोग होता था, योजना आयोग के स्थान पर स्थापना हुई है नीति आयोग की। यह एक गैर संवैधानिक, ठीक है, यह एक कैसा गैर संवैधानिक निकाय है यानी कि संगठन है, आयोग है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? चेयरपर्सन इसके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और वाइस चेयरपर्सन कौन? राजीव कुमार हैं। जबकि CEO की बात करें तो अमिताभ कांत हैं। CEO कौन है? अमिताभ कांत। अच्छा, CEO इसके सबसे पहले CEO पूछे जाते हैं, तो इसके सबसे पहले CEO कौन थे? वो थे अरविंद पनगड़िया। तो इस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी नीति आयोग ने जो अभियान शुरू किया उसके बारे में जानकारी।